आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में लुकअप रेफरेंसेस की अगली चैप्टर। पिछली चैप्टर में हमने वी लुकअप के बारे में सीखा, हमने मैच के बारे में सीखा, हमने इंडेक्स के बारे में सीखा, ऑप्शन के बारे में सीखा और हमने सीखा एक्स लुकअप के बारे में। बात करते हैं एच लुकअप और एक्स लुकअप दोनों कैसे यूज होता है, उसके बाद हम वी लुकअप में और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप जानेंगे। तो रिकॉर्डिंग की परमिशन मैं दे दिया हूं आप लोगों को, आप सभी रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ में हम एक डेटा यहां से उठाते हैं। एच लुकअप वी लुकअप जैसे वर्टिकल लुकअप होता है, ऐसे एच लुकअप हमारा हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। जैसे यूनिक आईडी कोई आपका है और वो यूनिक आईडी आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चला गया, इस तरह से ट्रांसपोज हो, मुझे यहाँ पे एस आई डी 5 का मान लीजिए नेम चाहिए, एस आई डी 5 का नेम चाहिए, तो कैसे निकलेगा? एस आई डी 5 का नेम चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एच लुकअप का फॉर्मूला। एच लुकअप को सिलेक्ट किया, टेबल में गए, जैसे वी लुकअप यूज करते हैं ऐसे ही हम एच लुकअप यूज करेंगे। और यहां पे कॉलम इंडेक्स हमने रो नंबर डालेगा जो कि 6 है, 5 है नेम के लिए, 5.0 आ गया। इसको हम एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू किसमें मैच करना है, एक्स लुकअप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों वे में चलता है। और रिजल्ट किसका चाहिए, तो रिजल्ट चाहिए इसमें आ गया। इसको हम मैच और इंडेक्स से भी कर सकते हैं, इंडेक्स हमने इसको सिलेक्ट किया, इसमें हमने रो नंबर हमारा क्या है 5 है, कॉलम नंबर के लिए हमने मैच लगाया और इसको सिलेक्ट किया और हमने नंबर में गया। और मैच इंडेक्स कर सकते हैं तो ऑफसेट भी कर सकते हैं, क्या सर? एच लुकअप और एच लुकअप के जो तरीके हैं वो समझ में आ गए आप लोगों के? हेलो जी सर, अब हम बात करते हैं कि लुकअप का, एक लुकअप का फॉर्मूला होता है या वी लुकअप में जो हम जीरो के जगह पे 1 देते हैं, आखिर उसका क्या रोल है? तो हम यहाँ पे कुछ सेल्स नंबर देते हैं, याद होगा हमने आपको इफ का फॉर्मूला सिखाया था, इफ के फॉर्मूले में हमने आपको इफ के फॉर्मूला सिखाया था और इफ के फॉर्मूले में हमने बताया था कि 0 to 40 होगा, 41 to 80, 41 to 80, 81 to 100 और greater than 100 इंसेंटिव के लिए। तो यहां पे 500, 1000, 1500 मुझे क्या करना है, इसमें लुकअप करना है। इसके लिए आप याद होगा आपने नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किया था, हम नेस्टेड इफ की जगह इसको इफ के साथ भी कर सकते हैं, कैसे देखिए 0 41 81 101, सबका स्टार्टिंग पोजीशन आप लिखें और इसको यहां पे दीजिए, फिर हम यहां पे वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया और डेटा को सिलेक्ट कर लिया कॉमा 2। अब यहां पे जो कॉमा 0 करते थे उसके जगह पे 1 या ट्रू करें तो आपका एक ग्रुप लुकिंग होता है। ये क्या करेगा, इस 75 को चेक करेगा किसके बिटवीन में है, जिसके बिटवीन में होगा उसका रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसको हम लुकअप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लुकअप लुकअप इसमें हम रिजल्ट वेक्टर देखते हैं यहां पे लुकअप वेक्टर रिजल्ट वेक्टर सेम वर्क करता है,
लेकिन लुकअप की एक अच्छी बात है कि हम लुकअप फॉर्मूले में डायरेक्ट जो है इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में, जैसे कि 0, 41, 81, 101 कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, देन कॉमा, फिर यहाँ पे हमने दे दिया 500, 1000, 1500, 2000 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हम डायरेक्ट इसमें अपने नंबर्स को डाल सकते हैं। ओके, आया समझ में आप लोगों को ये? अब जी हम बात करते हैं कि कभी कभी डेटा हमारा प्रॉपर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पूजा सिंह है, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे पूजा को लुकअप करता हूँ, वी लुकअप करता हूँ, तो यहां आप चेक देखेंगे आया, ठीक है। तो जैसे यहां पे हम दोनों तरफ अगर लगा देते हैं कंटेन, तो लुकअप हो जाता है। अच्छा, तो क्या हुआ, एक कंटेन होगा। अब यहाँ पे पूजा सिंह हो, सिंह पूजा हो, या पूजा सिंह कुमार हो, मतलब तो पूजा पहले हो, लास्ट में हो, बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लुकअप कर देगा क्योंकि कंटेन है। अगर मैं यहाँ पे लिखा पूजा अब क्या होगा, ए स्टार्ट विथ पूजा है, पूजा के बाद सिंह कुमार कुछ भी हो सकता है। और मैंने यहां पे दिया पूजा स्टार पूजा, मतलब कि एंड पूजा होना चाहिए, सिंह पूजा कुमार पूजा ऐसे होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेरे पास तो पूजा डाला हुआ है और ऐसे बहुत सारे नाम है, तो सारे नाम को करना तो मुश्किल हो जाएगा, एक एक करके स्टार लगाना। तो हम फॉर्मूले में ही स्टार को कंटेन कर देंगे, कॉन्कैटेनेट से ज्वाइन कर देते हैं और फिर लेते हैं कॉमा 2, 0, ठीक है। अब यहां पे कहते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास पूजा नहीं है लेकिन 3 डिजिट का कोई आईडी है, इसको वेंडर आईडी कहते हैं। तो 3 बार क्वेश्चन मार्क करें और आप यहां वी लुकअप लगाएं, इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया, थ्री एनी करेक्टर, एनी क्वांटिटी आ गई। आ जाता तो है, प्रॉब्लम है सर, पता नहीं कि 3 करेक्टर 3 क्वेश्चन मार्क देने पे आ जा रहा है। हाँ, लेकिन 3 क्वेश्चन मार्क 2 क्वेश्चन मार्क और स्टार देते हैं तो क्वांटिटी आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई आपको ये नहीं पता है कि आगे क्या है, लेकिन हाँ इतने करेक्टर होंगे उसके लिए क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्वेश्चन मार्क में इस D123 को ढूंढना चाहिए था, बट कोई दिक्कत है, नहीं ढूंढ पा रहा है। मैं इसे एक बार देखता हूं फिर आपको रिकमेंड करूंगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें?